हेलो एवरीवन, आज हम लेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट। पिछले कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर सिक्स लिया, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर फर्स्ट। ये बड़ा ही आसान चैप्टर है, आपके डेली के लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, भोजन, है ना? तो भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन वो होना चाहिए, हम खाना वो खाना खाते हैं जो शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, है ना? वे पदार्थ जो शरीर के की सारी या विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? भोजन, या कह सकते हैं दूसरी तरीके से पोषण। पोषण जीवन का आधार है। पोषण क्या है? जीवन का आधार। हर एक जीव के जीवन के लिए पोषण चाहिए, और पोषण में हम लेते हैं संतुलित आहार। देखो, खाना खाते हैं जिससे पोषण मिलता है, और पाचन क्रिया द्वारा उन पोषण पदार्थ से, यानी खाने से हमारा जो भोजन है, उस भोजन के पाचन क्रिया द्वारा उस भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं या शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सहायक होती हैं। लेकिन केवल ऊर्जा हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देगा? नहीं, उसके लिए हमारे को चाहिए। देखो, ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये शरीर की मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। वसा हमें ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट से दुगुनित मात्रा में। खनिज और लवण और विटामिन, ये हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखती हैं, फिट रखती हैं। तो और जल, ये सब चीज भी हमारे आहार का एक भाग है। संतुलित आहार इसी को कहते हैं। सब चीजें हमारे आहार में प्रतिदिन शामिल होना चाहिए, और संतुलित आहार से दिमाग तेज होता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, है ना? तो संतुलित आहार से हम रोगों से लड़ सकते हैं, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के। यह हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ये रोगों से दिमाग को तेज करती है, स्वस्थ बनाए रखती है। तो स्वस्थ जब इंसान रहेगा तो थकान भी नहीं होगी, कई कार्य कर सकता है। अन्य और भोजन हमारे जो संतुलित आहार है वो हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों से भी लड़ने में मदद करेगी। ओके, तो अगर इन पदार्थों की हमारे भोजन में कमी हो जाए, अगर ये जो पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, खनिज, लवण, विटामिन, इनकी या जल, है ना, अगर इनकी कमी हो जाए, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, इन सब की अगर हमारे भोजन में कमी हो जाए, आहार संतुलित ना हो, तो क्या हो सकता है? असंतुलित भोजन से क्या होगा? लंबे समय तक जब आप असंतुलित भोजन करते हैं तो एक पोषण की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं कुपोषण। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या एक या भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होना कुपोषण कहलाता है, और कुपोषण का हमारे शरीर पे कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि हमारे संतुलित व असंतुलित भोजन क्या है, संतुलित भोजन में हमारे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें की कमी होगी, किन चीजों की कमी होने से कौन सा रोग होता है। तो ये था थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका। तो आगे हम लेंगे संतुलित व असंतुलित भोजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा संतुलित और असंतुलित भोजन। ओके, देखिए एक बात बताना भूल गई, जल का नाम बीच में मैंने लिया था। जल आहार नहीं है,
उसमें कोई पोषक चीजें नहीं। हाँ, लेकिन जल में कुछ मिनरल घुली हुई होती हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक हैं, और जल वो माध्यम है जो इन सभी माध्यमों, इन सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवणों को सॉल्युबल फॉर्म यानी कि घुलित अवस्था में हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। तो जल भी, आपके इस पाठ के अंदर जल का भी नाम दिया गया है संतुलित आहार में, लेकिन संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन है। आपके दिया गया है कि जीवन को संचालित हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज जीवन के संचालन हेतु, जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में भोजन में होना या उचित मात्रा में उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। ओके, तो संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हों, और पोषक की कमी होने से क्या हो जाता है? कुपोषण। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक संतुलित व असंतुलित भोजन की तरफ चलते हैं, संतुलित व असंतुलित भोजन। ओके, संतुलित व असंतुलित भोजन। देखिए, हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण है लोगों को पोषक तत्व युक्त भोजन, या कह सकते हैं संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में लोगों तक संतुलित भोजन पहुंच ही नहीं पाएगा, पोषक तत्वों युक्त संतुलित भोजन, तो कुपोषण होना आम बात है। लेकिन एक यही कारण नहीं है, दूसरा कारण है लोगों की बुरी आदत। लोगों की बुरी आदत के कारण भी संतुलित भोजन का आज मार्केट में आप देखिए कई तरीके के सैंडविच, बर्गर, खूब सारे ऐसे ऑयली फैट्स वाले चीज़ें आते हैं जिनमें ऑयल तो ज़्यादा होता है लेकिन उनमें मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है, और लोग लगातार इसे खाते हैं, पिज्जा, बर्गर। तो दूसरी है बुरी आदतें। बुरी आदतों के कारण भी संतुलित भोजन नहीं मिल पाता और कुपोषण का लक्षण इनमें प्रदर्शित हो पाता है। तो कुपोषण से होगा क्या, क्या प्रभाव होगा? कुपोषण का प्रभाव होगा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं मनुष्य में, जीव में प्रकट होंगे। यानी कुपोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। तो हम यहाँ कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रभाव होगा कुपोषण, अगर विटामिन की कुपोषण हो तो क्या होगा, तो विटामिन कुपोषण पढ़ेंगे, प्रोटीन की कुपोषण पढ़ेंगे और खनिज कुपोषण पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे वापस बता रही हूं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, है ना? विटामिन, प्रोटीन और खनिज कुपोषण आज हम लेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास खनिज कुपोषण। खनिज क्या होता है, खनिज क्या है? तो खनिज कुपोषण, विटामिन एंड प्रोटीन कुपोषण। खनिज कुपोषण, खनिज क्या है मैंने पूछा आपको, खनिज क्या है? तो देखिए, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब खनिज हैं। मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सब खनिज तत्व हैं। तो आप कहेंगे खनिज तत्व भी हमारे शरीर को जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आप कहेंगे तो लोहा खा लेते हैं, लोहा खा लेते हैं तो हमारे शरीर में खनिज की, लोहे की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। लोहा आप डायरेक्ट खा के लोहे को खनिज की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में लोह तत्व घुलित मात्रा में ही जाते हैं। ये सारे खनिज तत्व जो होते हैं ये घुलित मात्रा में ही जाते हैं। जैसे सोडियम है, नमक के द्वारा आप लेते हैं, मांस, मच्छी, अंडे, दूध के द्वारा जा सकता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थ के द्वारा जाता है। कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों में होता है। फास्फोरस दूध, हरी सब्जियों में होता है, सूखे मेवे में होता है, बाजरी में, आदि में होता है। लोहा, लोह तत्व गाजर में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सेब में, है ना, यकृत में,
जो मांसाहारी होते हैं उनके लिए यकृत है, वृक है, अंडे हैं, मांस है, और जो मांसाहारी हैं उनके लिए यकृत, वृक, अंडे, और जो शाकाहारी है उनके लिए गुड़, गाजर, सब्जियां, दही, रागी, ये सब में लोह तत्व होगा। आयोडीन नमक से भी मिलेगा। नमक असल में जो आता है मार्केट में, उस नमक में आयोडीन मिला के बेचा जाता है। ओके, आयोडीन मिलाया जाता है ताकि कुपोषण ना हो, है ना। घर घर नमक के साथ आयोडीन पहुंच सके। तो नमक समुद्री भोजन में आयोडीन भरपूर मात्रा में होती है, अर्थात नमक भी आपको पता है पानी से प्राप्त की जाती है। पानी को नमक आपको पता ही है, खारा पानी होता है, खारे पानी को सुखा के, जैसे खारे पानी को जब जल को वाष्पीकरण कर दिया जाता है तो पीछे नमक बन जाता है। समुद्री भोजन यानी समुद्र से मिलने वाले पदार्थ, इनमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जलीय मछली, समुद्री भोजन ही है जलीय मछली, पानी में रहने वाली मछली समुद्री भोजन ही है, उनमें होगा। जामुन में होगा आयोडीन, काला नमक में होगा आयोडीन, तो ये आयोडीन से भरपूर होते हैं। तो प्रोटीन के कुछ लिख देती हूँ मैं आपको, और फिर इनके प्रमुख कार्य, समान स्रोत जो है वो मैं आपको बोल देती हूँ और प्रमुख कार्य बोल देती हूँ। तत्वों के नाम एक बार मैं आपके लिख देती हूँ ताकि आप आराम से याद कर सके। ओके, ये मैंने कुछ खनिजों के नाम लिख दिए हैं। ये कुछ खनिजों के नाम हैं आपके पास, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, तो आयोडीन। तो सबसे पहले इनका स्रोत लिखेंगे। आप एक टेबल बना लीजिएगा, आपके पेन और कॉपी लेके एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें मैं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, स्रोत और दूसरा प्रमुख कार्य, एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर का पूछा जाता है, प्रमुख कार्य एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो देखिए सोडियम के स्रोत क्या हैं। सोडियम का स्रोत नमक है, सामान्य नमक, और सोडियम का स्रोत जलीय भोजन भी है, दूध है, अंडे और मांस है। ओके, पोटेशियम का स्रोत क्या है, सभी खाद्य पदार्थ पोटेशियम दे सकते हैं। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम दूध में होगा, हरी सब्जी में होगा, अंडे में होगा। ओके, फास्फोरस किसमें होगा, हरी सब्जी में। मांसाहारी हैं उनके, मांसाहारी यदि व्यक्ति है तो यकृत और वृक जानवरों के, और जो शाकाहारी नहीं है, सॉरी जो मांसाहारी नहीं है, मांसाहारी यकृत और वृक खा सकते हैं, और जो शाकाहारी है, शाकाहारी वालों के लिए दूध, हरी सब्जी, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, इन सब में फास्फोरस होता है। लोह तत्व यकृत, वृक, अंडे, मांस में मिलता है, और लोह तत्व किस में मिलेगा, रागी, दही, सब्जी, गाजर, गुड़ में मिलेगा, रक्त में भी मिलता है। आपके शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाएगी तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, पूछा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, आयोडीन, आयोडीन समुद्री भोजन जैसे कि मछली में मिलेगा, नमक में मिलेगा, और हरे पत्ते वाली सब्जियों में मिलेगा, जामुन में मिलेगा, काला नमक में मिलेगा, ये इनके स्रोत हैं। ये इनके क्या हैं, स्रोत। अब इनके प्रमुख कार्य हम लेते हैं, इनके कार्य क्या हैं। हम खा तो रहे हैं इनको, तो हमारे शरीर में ये क्या कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम। सोडियम क्या करता है, हमारे शरीर के विद्युत अपघटन के तरीके से काम करता है। शरीर का विद्युत अपघटन करता है, अपघटन की तरह काम करता है, संतुलन बनाता है, तंत्रिका आवेश का संचरण करता है और मांसपेशियों का संकुचन करता है। अच्छा देखिएगा, जब आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो जाती है, ज्यादा दस्त हो जाता है, आपके शरीर से पानी निकल जाता है, तो आपको इलेक्ट्रॉल पिलाते हैं। इलेक्ट्रॉल में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम। आपके मांसपेशियों में खिंचाव आने लगेगा, है ना, आपको चक्कर जैसे आने लगेंगे, आप मूर्छित होने लगेंगे, तो आपको सोडियम पोटेशियम का एक घोल पिलाया जाता है इलेक्ट्रॉल में। और भी कई चीजें होती हैं, आप इलेक्ट्रॉल के पैकेट पे पढ़िएगा पीछे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। या फिर नींबू पानी आप पीते हैं, है ना। तो
नींबू पानी जब बनाते हैं तो नींबू पानी के अंदर थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ा शक्कर डालते हैं और ये बना करके पीते हैं। तो मांसपेशी सोडियम क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों में आप लिख सकते हैं मांसपेशी संकुचन। दूसरा तंत्रिका, तंत्रिका आवेशों के संचरण में, तंत्रिका आवेश संचरण में। और तीसरा दोनों में ही लिख सकते हैं विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन है। और दोनों में ही लिख सकते हैं संतुलन बनाने में। तो ये दोनों का एक साथ कार्य हो जाएगा। ओके, अब आता है कैल्शियम। और भी कई कार्य हैं लेकिन आपके 10वीं के लिए इतना ही कार्य बहुत है। कैल्शियम विटामिन डी के साथ हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी भी करता है और कैल्शियम क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, हड्डी और दांत के डेवलपमेंट में काम आता है। लोहा, सॉरी फास्फोरस, फास्फोरस क्या करता है, ये भी हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये दोनों का एक ही कार्य हो गया, हड्डी और दांतों को, ये विटामिन डी के साथ मिलकर, ये कैल्शियम के साथ मिलकर, तो दोनों क्या कर रहे हैं, हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो लोहा क्या हो गया, आयरन। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और हीमोग्लोबिन ही वो वर्णक है जो ऑक्सीजन का संवहन करती है और प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेके जाती है। तो प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का संचरण करने के लिए जरूरी है रुधिर में हीमोग्लोबिन का होना। तो उन हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है, लोह तत्व। तो क्या आएगा इसका कार्य, लोह तत्व का, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण और उत्तक ऑक्सीकरण में सहायक। ओके, नेक्स्ट है आयोडीन। देखिए आयोडीन की कमी से गलगंड नाम की एक बीमारी हो जाती है, गलगंड घेंघा जिसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, गर्दन जो गला है, गले के अंदर सूजन आ जाती है। असल में थायराइड ग्रंथि का कार्य, थायराइड ग्रंथि का कार्य कम हो जाता है, थायराइड ग्रंथि सही से कार्य नहीं कर पाती, जिसकी वजह से धीरे 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 आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्रंथि कार्य नहीं कर पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो सूजना स्टार्ट हो जाता है और सूज के लटक आता है, तो उसे फूल जाता है, पूरी तरह से सूज जाता है यहाँ पूरा, तो सूज के नीचे की ओर ऐसे लटकने लगता है, उसे कहते हैं गलगंड या घेंघा रोग। याद रखिएगा ये पूछा जाता है, आयरन का भी पूछा जाता है, आयरन और लोह तत्व की कमी से क्या होता है, लोह तत्व हमारे शरीर में किस चीज के निर्माण में सहायक है, तो हीमोग्लोबिन। और आयोडीन का पूछा जाता है कौन सी बीमारी होती है, तो लिखेंगे आप आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और गलगंड नाम का रोग होता है या घेंघा। तो आयोडीन क्या कार्य करता है, थायराइड ग्रंथि थायरक्सिन नाम के हार्मोन का निर्माण करती है। तो इसका मतलब जब आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि थायरक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी। थायराइड ग्रंथि आयोडीन का यहीं लिख देती हूं, देख लीजिए, आपको याद रहेगा थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है, देखिए यहां मैंने लिख दिया है, थायराइड ग्रंथि थायरक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है और यदि कमी हो जाती है थायरक्सिन हार्मोन की तो गलगन नाम का रोग हो जाता है या घेंघा कह सकते हैं आप, क्या कहते हैं, घेंघा। ओके, तो किसकी कमी से होता है थायरक्सिन हार्मोन, कब नहीं बन पाता, जब आयोडीन नहीं मिलता है। इस ग्रंथि को आयोडीन मिलेगा तब थायरोक्सिन हार्मोन बनेगी। ओके, तो जब नहीं बना बन पाता तो हमारा गला सूख जाता है। और लोह तत्व का क्या बताया मैंने, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ आपके पास थे खनिज तत्व, तो ये हमारे खनिज तत्व की कुपोषण, ये खनिज तत्व हैं, खनिज तत्व के स्रोत अभी हमने पढ़ा, खनिज तत्व के प्रमुख कार्य पढ़ा। अगर इन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो ये जो कार्य मैंने बताया सही तरीके से वो कार्य संपादित नहीं हो पाएंगे। तो अब हम लेते हैं विटामिन कुपोषण, विटामिन से होने वाला कुपोषण। अब हम लेंगे अपने विटामिन से होने वाला कुपोषण। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन से होने वाला कुपोषण। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है विटामिन के कुपोषण से होने वाली बीमारियां।
तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में जान लेते हैं। बचपन से आप किताबों में विटामिन का दिया जाता है, छोटी क्लासेस से विटामिन के बारे में बताया जाता है, तो हम यहाँ विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं और विटामिन से होने वाली बीमारियाँ पढ़ रहे हैं। तो विटामिन हमारे पास कौन कौन सी हैं देखिए, और उनसे होने वाली बीमारियों के लक्षण भी पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन ए है, विटामिन बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, विटामिन सी है एंड विटामिन डी। इनको इस नाम से तो बोला ही जाता है, इनको इसके अलावा भी बोला जाता है। जैसे विटामिन ए को कहेंगे रेटिनॉल, विटामिन बी वन को कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? विटामिन बी वन को थायमीन, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री को नियासिन, विटामिन सी को स्कर्बिक अम्ल और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। ये भी इन नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर इनकी कमी हमारे भोजन में, हमारे पोषक तत्वों में हो जाती है, तो हमें हम उस इस विटामिन से संबंधित निम्न रोगों से बीमार पड़ते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होती है हमारे भोजन में, तो रतौंधी हो जाती है। रतौंधी में लक्षण क्या है? मध्य प्रकाश में दिखाई नहीं देता, अर्थात जैसे जैसे दिन ढलता है, रात होने लगती है, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, यानी प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता। दूसरा है विटामिन बी वन, बी वन को कहते हैं हम थायमिन, बी वन को थायमिन कहते हैं, और इससे होने वाली बीमारी का नाम है बेरी बेरी। और लक्षण क्या है इसके? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। विटामिन बी टू, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, इससे होने वाली बीमारी का नाम भी इसके नाम पे ही है, राइबोफ्लेविनोसिस। ओके, इसमें क्या होता है राइबोफ्लेविनेसिस में? होंठ फटने लगता है, मुंह के किनारे फटने लगते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, स्मृति कमजोर हो जाएगी। ओके, बी थ्री है नियासिन, नियासिन से होती है बीमारी प्लेगरा। प्लेगरा में क्या होता है? पपड़ियां निकलने लगती है, त्वचा सूख जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है जीभ और त्वचा, और पपड़ियां पड़ने लगते हैं उसपे। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, है ना, इसमें स्कर्विक अम्ल बोलते हैं, और इसकी बीमारी है स्कर्वी। खट्टे आप फल खाते हैं, उनमें विटामिन सी होता है। और अगर विटामिन सी की कमी हमारे भोजन में होता है, तो क्या हो जाता है? शरीर पे चकते बनने लगते हैं त्वचा पे, और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, यानी हमारे जो गम्स हैं दांत के नीचे मसूड़े, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी आपको पता है हड्डियों से रिलेटेड है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है? रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें पैर की हड्डियां मुड़ जाती है कमजोर होने के कारण। तो ये हमारे विटामिन के कुपोषण से होने वाली कुछ रोग हैं, और ये बीमारियां विटामिन्स हैं जिनसे संबंधित ये रोग हैं, और लक्षण मैंने इनसे रिलेटेड आपको बता दिए। अब हम लेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण। ओके, तो प्रोटीन कुपोषण, देखिए ज्यादातर लोग गरीब हुए हैं अपने भारत में, लोग गरीब हैं या कहीं भी, गरीबी के कारण लोगों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं हो पाता, और लोग कुपोषित हो जाते हैं, और कुपोषण होने के से उनके बच्चे से लेकर के गर्भवती महिलाएं, किशोर अवस्था में अगर प्रोटीन की कमी हो गई, तो इन सब का प्रभाव उनके शरीर पे देखने को मिलता है। ज़्यादातर छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं क्वासीकोर, क्वासीकोर लिख देती हूं मैं यहां। क्वासीकोर किसकी कमी से हो रहा है? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होता है। अच्छा, एक और बीमारी है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरास्मस। मेरास्मस
ये प्रोटीन की भी कमी से होगा लेकिन साथ में ऊर्जा की कमी से भी होगा। तो प्रोटीन प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कमी से होने वाला कोशिकोरा मेरेस्मस, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी मुख्यतः गर्भवती महिलाओं, किशोरावस्था में वाले बच्चे और छोटे बच्चों में ये लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए इनके लक्षण पढ़ देते हैं। कोशिकोरा के लक्षण क्या है? देखो कोशिकोर के लक्षण क्या है, बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, चिड़चिड़, जब भूख नहीं लगेगी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है ना, त्वचा जो होती है पीली शुष्क काली हो जाती है और धब्बेदार होके फटने लगती है। परंतु अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी भी हो जाए शरीर में तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है, आंखों से सही दिखाई नहीं देता, आंखें कांतिहीन हो जाती है और अंदर की ओर धंस जाती हैं। तो ये दोनों के लक्षण हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है ना। वापस मैं एक बार बता देती हूँ, प्रोटीन कुपोषण में कोशिकोर का क्या है। कोशिकोर में क्या है कि बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख की कमी होती है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क और काली धब्बेदार हो जाती है। लेकिन अगर प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो उसे कहते हैं मेरेस्मस, और इसमें क्या हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है और अंदर धंस जाती हैं। तो ये कुछ हमने पढ़ा आज कुपोषण से होने वाली बीमारियां। कुपोषण से होने वाली बीमारियां हमने तीन पढ़ी, कौन कौन सा, खनिज कुपोषण, विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। तो आज आपका तीनों कुपोषण के बारे में जानकारियां हमने हासिल की। अब ये तीनों कुपोषण को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।